स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। तो भी हिसाब से थाने भी सोचना चाहिए कि तो दुद्ध विकास करा दियो, क्या नहीं आने का आयाम स्थापित कर दिया कि रिपोर्ट काम करा दिया, तो थाने गांव का इंसान मिलकर बैठ के बात करनी थे कि नहीं भाई रोटा दर्ज आंगन कर दी बठीना अपन वोट देने, रोटा दर्ज नाथ कर दिया बठीना अपन वोट देने, तो वोट देश तो काम करा से आज खरे गाँव के मैं अहमदाबादी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली लोग यार मिलाना खातिर वाले हमारे गांव में एक बड़ा नेता लिया हो हमें कोई नहीं जाने की जरूरत पड़ी, खाली फोन निकले डोटा साहब जिनके 5 तारीख में स्टेडियम का मैंने उद्घाटन करवाऊंगा, फिर बुलाने फिर बुला लिया गया। तो इसलिए मेरे आपसे निवेदन है अच्छे जनप्रतिनिधि के साथ रहना चाहिए, समर्थन देना चाहिए और भूल की भी आगे चाल की और गलती मत करियो ना, एक बार तो गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन अब कल पूरा गाँव एक तरफ होती थे पंचायत चुनाव हुए पार्लियामेंट का चुनाव हुए और चाहे विधानसभा का हुए एक मत होगी और डोटासराज को साथ जोर आगे बढ़ाओ, डोटासराज अगर आगे बढ़िया तो कोई बड़ी बात होने राजस्थान का मैं दादो को नाम भी एक दिन इतिहास में लिखा जाओ लक्ष्मी निर्देश लिए। इन्हें मेरे तो यही निवेदन है, आप लोगों ने मुझे बुलाया मान सम्मान दियो के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ और डोटासराज को भी धन्यवाद दूँ कि आंगनी पकड़ की और मन राजस्थान के विधानसभा में सिखायो कौन सो मंत्री खटा बैठे क्या काम हो के काम हो, पिछले पूरे 5 साल में जैसे भी मन जरूरत पड़ी है कि बधाई मैंने मना कौन करो एकदम भाई कितरिया छोटे भाई कितरिया हाथ पकड़ के गए मेरे भाई है छोटे को काम करना पड़ती तो सारा काम कराया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, जाजों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आयोजन करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ कि बुला के मान सम्मान स्वागत सत्कार कियो, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस, बहुत बहुत धन्यवाद अर्दिल अजीज जनाब हाकम अली खान साहब, आपका प्यार डोटासरा साहब के प्रति लगाव और निष्ठा इसी तरह से बनी रहे, हिंदुस्तान में क्या चाहिए जब एक हिंदू और मुसलमान भाई साथ बैठकर इफ्तार करते हैं और ऐसे नजारे जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान सीखता है कि हमें हिंदुस्तान में किस तरह से रहना चाहिए।